नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री अस्नूज में आपका स्वागत है। आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो परमात्मा पुंज का अंश है। संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म ऊर्जा से संचालित है, जिसमें यह पूरी सृष्टि निहित है। इस ब्रह्म ऊर्जा का ना कोई आदि है और ना ही अंत है। इस अनंत ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा इसी परमात्मा से निकली हुई एक प्रकाश पुंज है। परम ब्रह्म ऊर्जा जब एक प्रकाश पुंज के रूप में निकल कर एक शरीर को धारण करती है तो वे आत्मा कहलाती है। जिस क्षण ऊर्जा एक आत्मा के रूप में शरीर को धारण करती है, उसी क्षण से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। जब यह आत्मा परमात्मा रूपी ऊर्जा से निकलकर कई शरीरों से होते हुए वापस परमात्मा से जाकर मिलती है तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाता है। ग्रंथों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का मतलब होता है कि आत्मा ने शरीर को त्याग दिया है और नए शरीर की तलाश में चली गई है। जिस शरीर से उसकी वासना भोग और कामना की पूर्ति हो सकती है, जब ऐसा शरीर मिल जाता है तो आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करके भौतिक जगत में अपनी नई पहचान के साथ चली आती है। लेकिन यहाँ आत्मा की अपनी इच्छा नहीं चलती है, उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कामना की पूर्ति के लिए उचित शरीर में प्रवेश मिलता है। आत्मा प्रकृति से घिरे पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है। जो परमात्मा का अंश है उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और मनुष्य का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है। मनुष्य जैसे वस्त्रों का उपयोग करता है, वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उपयोग करती है। पुराने वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करता है। शरीर के माध्यम से आत्मा शरीर के सुख दुख का उपभोग करती है, किंतु आत्मा शरीर नहीं होती। शरीर का अंत किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। आत्मा न शस्त्रों से मारी जा सकती है और न ही अग्नि से जलाई जा सकती है। न जल उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर है। शरीर की हत्या की जा सकती है, किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती है। आत्मा को छुआ या देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। आत्मा के बारे में सबसे प्रमाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है। इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, अतः वायु के समान गमनशील होती है। इसलिए आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। आत्मा और मन क्या है? मन आत्मा का साधन है। इसके द्वारा ही आत्मा की इच्छित क्रियाएं होती हैं। आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का बाहरी संसार से संपर्क होने पर ही आत्मा को ज्ञान तथा उसकी इच्छित क्रियाएं होती हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है, मन का नहीं। अर्थात यह मन ऐसा है जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता। यही कारण है कि इसके संपर्क न होने पर हम देखते हुए भी नहीं देखते तथा सुनते हुए भी नहीं सुनते। मन आत्मा के समीप हृदय में वास करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? जब आत्मा परमात्मा के साथ जा मिलती है तो उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है। शरीर का जब अस्तित्व मिट जाता है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। उसी प्रकार जब एक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है तो हम उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में आत्मा कई शरीरों को बदलती है। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं, वे हम मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के पांच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर विनाशी है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर पुनः परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन यदि वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।